अब गजोदर भैया ऑस्कर लेने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं, तो आज वो अपने जाने माने कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वह 58 साल के थे। कुछ दिन पहले ही राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। कानपुर में एक कवि के घर जन्म लेने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग उनके जमीन से जुड़े हास्य और उनके किरदार गजोधर के लिए पहचानते रहे। 1988 के दौर में दूरदर्शन पर आने वाले टी टाइम मनोरंजन नाम के एक प्रोग्राम से राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। इस प्रोग्राम को स्टैंड अप कॉमेडी का पहला प्रारूप माना जाता है। इसमें राजू श्रीवास्तव अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें अपनी गुजर बसर के लिए ऑटो चलाना पड़ता था। उन्होंने बीबीसी को बताया था कि वो सवारियों को हंसाया करते थे, जिसके बदले उन्हें अच्छी टिप मिल जाती थी, कभी कभी शो भी मिल जाते थे, और इसी तरह एक सवारी के रेफरेंस से उन्हें बड़ा ब्रेक भी मिला। संघर्ष के दौर को पार करते हुए राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो तक पहुंचे, जहां उन्होंने द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब जीता। वो रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी का महामुकाबला शो किया। उन्होंने अपनी पत्नी शिखा श्रीवास्तव के साथ डांसिंग शो नच बलिए में भी हिस्सा लिया। वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में भी कभी कभार दिख जाते थे। कॉमेडी की दुनिया से अलग राजू श्रीवास्तव ने राजनीतिक पारी भी खेली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। राजू श्रीवास्तव के परिवार में उनकी पत्नी शिखा और दो बच्चे अंतरा और आयुष्मान हैं।